नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई का यह मामला है। एसओजी ने हथियार बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। वांटेड तस्कर बहादुर उर्फ सरदार को पकड़ा गया। 2013 से पुलिस बहादुर की तलाश कर रही थी। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त जी राजस्थान पर, यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आशुतोष इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशुतोष, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को, क्या कुछ खुलासा हुआ? देखिए, ये बेहद शातिर हथियार तस्कर है। इसके बारे में अगर बताएं तो लगभग 20 सालों से ये इस तरह के जो हथियार तस्करी है उसमें लिप्त है। और बताया जाता है कि ये इसका पूरी तरीके से जो खानदानी जो पेशा है वो है। अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 500 से ज्यादा जो देसी कट्टे होते हैं उनको ये ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में भी सप्लाई कर चुका है। बड़ी बात यह है कि ये तकरीबन एक कट्टे की जो कीमत होती है किसी से 2000, किसी से 2500, और जो आगे चलकर जो मार्केट होता है, जो मुख्य मार्केट तक जब ये पहुंचते हैं तो 20,000 से लेकर 25,000 तक। कभी कभी जो बदमाश होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उन तक ही हथियारों को पहुंचाते हैं, कि जो हिस्ट्रीटर होते हैं उन तक ही हथियारों को पहुंचाता है। इसको गिरफ्तार करके लाया गया है मध्य प्रदेश से, इससे पूछताछ की जाएगी। बड़ी बात यह है कि पहली बार इस तरीके का मामला सामने आया कि हथियार ये बनाने वाला भी है और उस हथियारों को अवैध तरीके से मार्केट में बेचने वाला भी है। तो अगर इस तक एसओजी पहुंची है तो बहुत हद तक संभव है कि जो दूसरी गैंग्स हैं उन तक भी एसओजी जल्द पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष पूरी बातचीत के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। और आइए शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट खबरों की। सीकर के अशोक बिहार में यूनियन बैंक में आग से मचा हड़कंप। सुबह के वक्त लोगों ने बैंक शाखा में धुआं निकलता देखा तो पुलिस और दमकल को इसकी जानकारी दी गई। घटना की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है आग। पाली जिले के चाड़ोद गांव में बारात की बस में आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की गाड़ियों ने समय पर रहते आग पर काबू पाया। सांचौर के चाड़ोद आई थी बारात। बाड़मेर के पचपदरा में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे की सूचना पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार ट्रक के नीचे पूरी तरह घुस गई और उसमें आग लग गई। पुलिस ने दमकल को मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया। जोधपुर के तिवरी कस्बे बस स्टैंड के बाहर जनरल स्टोर में अचानक लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ है। जोधपुर के फालौदी में बदमाशों का खौफ काफी बढ़ गया है। शहर के धौलावाला रोड पर बाइक सवार नकाबपोशों ने स्कूटी पर जा रही महिला से पर्स छीन लिया। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बांसवाड़ा में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। जिले के जौलाना कस्बे में 24 घंटे की बच्ची को उसके परिजनों ने गोबर में फेंक दिया। करीब 14 घंटे बाद लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद नवजात को एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। काटोल वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और बेशकीमती खैर की लकड़ी की तस्करी करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में खैर की लकड़ी और एक वाहन को जब्त किया। जयपुर के झोटवाड़ा में एक युवक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गोली मारकर दोनों की आत्महत्या करने का मामला सामने बताया जा रहा है। शव चंडीगढ़ नंबर की एक कार में मिले हैं। लोग स्क्वायर और एफएसएल की टीम को बुलाया गया है मौके पर। बांसूर थाना पुलिस ने जमीन विवाद में झगड़ा करने आए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल उदय सिंह भान और संजय महाजन में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर दोनों पक्षों में जमीन पर कब्जा करने को लेकर करीब 30-40 लोगों को हथियार समेत बुलाया हुआ था। पुलिसकर्मी और सीआईडी के अधिकारी बनकर लोगों ने जांच के नाम पर नकदी जेवरात लेकर फरार होने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अजमेर जेल से 2 शातिर चोरों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। जोधपुर के पृथ्वीपुरा में व्यापारी के मकान में हुई करीब 14.5 लाख रुपए की नकदी चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू में एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 गाड़ियों में सवार 8 लोग घायल हुए। राजसमंद के भीम में हादसा पेश आया जहां टायर फटने से डीजे की पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली के मंडरायल मार्ग स्थित श्यामपुर गांव के पास एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ।
जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में एक ट्रक ने कॉलोनी में लगे पोल को टक्कर मार दी, इससे पोल गिर गया। पोल टूटने से लाइन में फॉल्ट हो गया है, इससे दर्जन घरों के उपकरण जलकर राख हो गए। जयपुर के जमवारामगढ़ में खाद बीज की दुकान में आग लग गई है। देर रात करीब 1 बजे आग से एक बार ही लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी सूचना पुलिस को दी है। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। उदयपुर जिले के बंजारिया गांव में एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार फूफा और भतीजे की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी गई है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। एनसीपी के पास नहीं है राष्ट्रपति शासन की जानकारी, राजभवन से कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है, ये राष्ट्रपति की ओर से ये कहा जा रहा है। राज्यपाल की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है, ये कहा जा रहा है एनसीपी की ओर से। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि ये खबर आई थी कि मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, और अब ये खबर आ रही है कि उस कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी कैबिनेट ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पल पल वहां की तस्वीर बदल रही है, सियासत किस करवट बैठेगी ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले लगातार तस्वीरें दिलचस्प सामने आ रही हैं। एक और एनसीपी का यह कहना कि उनके पास कोई जानकारी नहीं, दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से एक खबर थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि अनुशंसा जाहिर की गई थी राज्यपाल की ओर से, और अब यह अपडेट आ रहा है कि बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है राज्यपाल से, कि वहां पर जिस तरीके से 19 दिन का वक्त बीतते हुए नजर आ रहा है और 19 दिन में सरकार न बनने को लेकर बीजेपी कैबिनेट की ओर से राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि ये बजाना बेहद जरूरी है कि आज रात 8 बजे तक का समय शिवसेना को राज्यपाल की ओर से दिया गया है। शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के साथ अपना बहुमत साबित करना होगा और वहां पर राज्यपाल के सामने ये जाकर अपना दावा पेश करना होगा कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार है, इच्छुक है और वो अपना दावा पेश कर सकती है। लेकिन ये तब होगा जब कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन शिवसेना को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ना तो कांग्रेस अपने पत्ते खोल रही है और ना ही एनसीपी। ऐसे में जो इस वक्त की बड़ी खबर वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस वक्त सिफारिश की है राष्ट्रपति शासन की राज्यपाल से मिलकर। और इस बीच हमारे सहयोगी रामराज सिंधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंधे, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ खास अपडेट मिल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये खबर आ रही थी कि राज्यपाल ने अनुशंसा जाहिर की है राष्ट्रपति शासन की, और अब खबर ये आ रही है कि मोदी कैबिनेट ने सिफारिश की है राष्ट्रपति शासन की। बिल्कुल, दो बड़ी खबरें अभी हमारे पास है। सबसे बड़ी खबर जो कि राष्ट्रपति शासन की है, केंद्रीय कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है, राष्ट्रपति के पास ये रिकमेंडेशन गया है और राष्ट्रपति किसी भी वक्त ये जारी कर सकते हैं, ये हमारे दोस्त का कहना है। और दूसरी बड़ी खबर है कि शिवसेना अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिस तरह से शिवसेना को कम वक्त दिया गया है और जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में भी कहा गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि शिवसेना को कम वक्त दिया गया, 24 घंटे का ही वक्त दिया गया, जबकि 2 दिन का वक्त देना चाहिए था। ये कहीं पे तो शिवसेना को लगाई थी नाइंसाफी हुई है और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में गई है शिवसेना। फिलहाल हम ये कहें सिंधे की शाम 8 बजे तक का वक्त दिया गया था शिवसेना को, तो क्या 8 बजे तक का वक्त है और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि क्या एनसीपी और कांग्रेस की ओर से अगर पूर्ण रूप से बहुमत नहीं दिया जा रहा है, साथ नहीं दिया जा रहा है, सस्पेंस रखा जा रहा है, पत्ते साफ नहीं किए जा रहे हैं, तो उसके बाद तस्वीर कुछ धुंधली होती नजर आएगी इसकी। तो सिंधे से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इस बीच इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है मोदी कैबिनेट की ओर से। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है इस वक्त की। इससे पहले आपको एक बड़ी अपडेट जी राजस्थान ने दी थी, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से यह खबर आई थी कि राज्यपाल ने अनुशंसा जाहिर की है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, जो कि 19 दिन का वक्त हो गया है,
कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चतराड़ी गांव अध्यक्ष और पदाधिकारी शपथ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं बिरला सभागार में। क्षत्रिय महासभा राजस्थान की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें लाइव आपके सामने है। जयपुर से पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आरसीए अध्यक्ष एवं गहलोत यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इस वक्त प्रताप सिंह खाचरियावास को आप देख सकते हैं, वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। और तमाम अधिकारी जिनको यहां पहुंचना है वो भी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचेंगे। ये वो मंच है उस कार्यक्रम का जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने, बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि चतराड़ी गांव अध्यक्ष और पदाधिकारी शपथ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज की ओर से बिरला सभागार में क्षत्रिय महासभा राजस्थान की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, इस वक्त लाइव तस्वीरें आप अपने सामने देख सकते हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए, और भी तमाम मुख्य अतिथि जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने हैं वो यहां पर एक एक करके पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं इस बीच। और तमाम खास मेहमान इस वक्त यहां पर बैठे हुए हैं, आप उनको भी देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी यहां पर, और कह सकते हैं थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास पास में बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। भरतराज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। भरतराज, बिरला सभागार में क्षत्रिय महासभा की ओर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कौन कौन यहां पर मुख्य अतिथि, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत, कौन कौन शपथ ग्रहण होगी, किसकी? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से बिरला सभागार में प्रदेश भर की जो सत्तारियां हैं उनका एक शपथ ग्रहण और प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अभी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो यहां पर मौजूद थी और उन्होंने सभी प्रदेश भर की जो सत्तारियां बिरला सभागार में आई है उनको शपथ दिलाई है और निष्ठावान और कर्तव्य प्रायण होकर आगे बढ़ने की उन्होंने शपथ दिलाई कि वो अपने गांव और ब्लॉक में सभी सत्तारियां अन्य महिलाएं उनको जोड़े और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़े। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रताप सिंह खाचरियावास सहित तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम में, और इस समय कार्यक्रम यथावत जारी है। कुछ देर बाद में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी संबोधन होगा, उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद अब प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इन महिलाओं के लिए रखा गया है, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। बहुत शुक्रिया भरत, कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे पूरी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। और आइए फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। बीकानेर के देशनोक में एक मिनी बस और बोलेरो की भिड़ंत हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल, घायलों को पीवीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में कराया गया भर्ती। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने ट्रोमा सेंटर पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। गुजरात की रहने वाली एक महिला सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गई, इसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जयपुर में उपेन यादव कांवड़ अनशन 7वें दिन भी जारी रहा, बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक एसएमएस अस्पताल पहुंचे, एसएमएस अस्पताल में बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया, सरकार पर बेरोजगारों का ध्यान न देने का आरोप लगाया। कोटा जिले में डेंगू पॉजिटिव की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, चिकित्सा विभाग के मुताबिक सोमवार को डेंगू के 31 और स्टब टाइफस के 4 मरीज सामने आए। जिले में मौसमी बीमारियों का कहर इस कदर है कि अब तो कुछ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ भी वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं, अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, नागौर में डेंगू ने दस्तक दे दी है, नागौर जिला कलेक्टर को भी डेंगू ने डंक मार दिया है। अकेले डीडवाना में एक महीने में 93 डेंगू जांच में 34 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, 1 जनवरी से अब तक 504 डेंगू की जांच हुई है, 83 मरीज पॉजिटिव पाए गए। साल दर साल भीड़वाड़ा शहर की हवा जहरीली होती जा रही है, धीरे धीरे हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है, यहां पर बेपरवाह सफाई कर्मी खाली स्थानों में कचरा डालकर उसमें आग लगा देते हैं तो प्रदूषण बनने का कारण बन रहा है। सिरोही के माउंट आबू में देलवाड़ा स्थित एक बस्ती में मगरमच्छ के आ जाने से हड़कंप मच गया, आसपास के रहने वाले लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय वन विभाग को दी, इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन इलाके में एक मगरमच्छ एक कुएं में गिर गया, 60 फीट गहरे कुएं में जब लोगों ने मगरमच्छ को देखा तो वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई, घटना की सूचना पर देसूरी से पहुंची टीम ने मगरमच्छ को बाहर निकाला।
जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों कई बंदरों ने आतंक मचा रखा है। बंदरों के आतंक से शहर के लोग परेशान हैं। बंदरों के आतंकी हमले का कई लोग शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नगर पालिका प्रशासन गंभीर नहीं है। मसूदा कस्बे में ग्राम पंचायत के ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही सीसी रोड पर घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगा है। सीसी रोड के सामानों की गुणवत्ता सही नहीं है, साथ ही संबंधित रोड का नाप और मोटाई भी सही नहीं है। अयोध्या फैसले को लेकर डूंगरपुर जिले में 18 नवंबर तक के लिए लागू की गई धारा 144। शादियों पर भारी पड़ रही धारा 144 के चलते शादी में डीजे बजाने, बिंदोली निकालने की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, इससे शादी की रौनक फीकी हो रही है। एसएमएस अस्पताल से राहत की खबर आई है कि अब रेजिडेंट हड़ताल का कार्य बहिष्कार पर नहीं जाएंगे। रेजिडेंट की तरफ से एसएमएस अस्पताल प्रशासन को जो मांगे दी गई थी उन्हें मान लिया गया है, जिसमें से डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए 16 बाउंसर्स लगाना भी शामिल था। सहकारिता विभाग में हो रहे घोटाले पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सभी 2,40,000 सहकारी संस्थाएं ऑनलाइन होंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खींवसर में चंपालाल गौर की मौत का मामला इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक नारायण बेनीवाल का धरना आज भी जारी है। गौर के परिजनों के साथ धरने पर बैठे बेनीवाल, लोगों ने नागौर जोधपुर हाईवे पर जाम लगाया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इस बीच हनुमान तंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट सामने आया? के पांचला सिद्धा क्षेत्र का मामला है, किसान चंपालाल जो है उसको उसके पीछे ट्रैक्टर दौड़ाया गया था, उसके वजह से घबरा कर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से 36 घंटे लगातार हो गए हैं, सबके साथ परिजन और नारायण बेनीवाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहा है लगातार। और कल से एसपी के साथ साथ जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं समझाइश की, और वार्ताओं के कई दौर जो है चले हैं, लेकिन प्रशासन और परिजनों के बीच अभी तक वार्ता जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। और अभी अभी जो सूचना आई है, विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि गुस्साए ग्रामीणों ने जो हाईवे है जोधपुर नागौर हाईवे उस पर जाम लगा दिया है, टायर जलाकर ये हाईवे जाम किया गया है। जी, चंपालाल गौर के परिजनों की क्या कुछ मांगे हैं हनुमान इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो देखी जाए तो आरोपियों की गिरफ्तारी है, उसके बाद में 50 लाख का मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सहित कई अन्य मांगे भी उन परिजनों की है। इनमें साथ में विधायक जो है खींवसर विधायक वो भी इस धरने में शामिल है और वो भी मांगों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या पुलिस प्रशासन की ओर से, ब्यूरोक्रेसी की ओर से कोई पहल की गई, उनके परिजनों से बातचीत करने को लेकर कोई आश्वासन देने का कोई प्रक्रिया अब तक सामने आई हो हनुमान? लेकिन पुलिस और प्रशासन की तरफ से पिछले दो दिनों से लगातार बातों का जो वार्ताओं का दौर है वो लगातार जारी है। पुलिस एसपी विकास पाठक खुद खींवसर में मौजूद हैं, लगातार कोशिश की जा रही है समझाइश की, लेकिन अभी तक जो समझाइश का दौर है वही चल रहा था, लेकिन जो परिजन है या विधायक नारायण बेनीवाल है वो उससे संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि हाईवे को जाम किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या, अगर हम हनुमान बेनीवाल की बात करें तो क्या वो एक कड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि नारायण बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई है ये इसमें एक कड़ी बन रहे हैं, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी का की जो विरोध है वो भी यहाँ देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और नागौर का जो ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रशासन है उसका जो टकराव है वो नया नहीं है, इसलिए ये माना जा सकता है कि ये दोनों ही चीजें यहाँ शामिल रहे। बहुत शुक्रिया हनुमान तंवर इस पूरी बातचीत के लिए। ये सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं। और आइए फिर से शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार ने सभी पंजीकृत सहकारी सोसायटी और लाभकारी संगठनों, खेलकूद की संस्थाओं की गतिविधियों समेत सभी प्राथमिक जानकारियां राज सहकार पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। जयपुर में बीसीसी मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जनसुनवाई की, संगठन महासचिव महेश शर्मा, सचिव नवीन यादव और मोहन डागर पहुंचे। उदयपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के निकाय चुनाव में बीजेपी के बोर्ड बनाने का किया दावा, इस दौरान उन्होंने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर साधा निशान।
महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही खींचतान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया बयान। मेघवाल शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन को अपवित्र गठबंधन करार दे रहे हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कांग्रेस शिवसेना को समर्थन देगी या नहीं। बीकानेर के देशनौक के पास हुए भीषण सड़क हादसे में घायल लोगों की कुशल सिंह पूछने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला पीबीएन ट्रोमा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायलों के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जानकारी दी और मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। सीकर जिले में 3 स्थानों पर होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव संपन्न कराने के लिए तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। निकाय चुनाव के तहत मकराना नगर परिषद के 55 वार्डों के लिए 313 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 16 नवंबर को होगा। सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बांसवाड़ा नगर परिषद चुनाव के तहत भाजपा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया, सांसद कनकमल कटारा ने शिरकत की। बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति भी बनाई गई। जोधपुर संभागीय आयुक्त बीएल कोठारी और पुलिस महानिरीक्षक सचिन मित्तल ने जालौर में अधिकारियों की बैठक ली। चुनाव के संबंध में क्षेत्रों में कानून और शांति व्यवस्था के लिए ट्रेनिंग अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। अनूपगढ़ में भारत विकास परिषद की स्थानीय शाखा की ओर से भारत को जाने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 9 विद्यालयों के 750 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ब्यावर में श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से चयनित परिवार की एक कन्या के कन्यादान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्यादान कार्यक्रम में कन्याओं को उपहार भेजकर कन्यादान किया गया। नागौर में माली सैनी समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 1 दिसंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम में सैनी समाज के होनहार लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जयपुर के बिड़ला सभागार भवन में माला माथुर स्मृति समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कौशिकी चक्रवर्ती की सखी बैंड ने प्रस्तुतियां दी। धौलपुर जिले के सपो कस्बे में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई। लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया। बारा के अटरू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पट्टा वितरण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान करीब 262 पट्टों का वितरण किया गया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इन दिनों शक्ति युद्ध अभ्यास 2019 चल रहा है। यहां भारत और फ्रांस की सेना आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रही है। थार का मारुस्थल सेना के जवानों के दमखम और हौसले से खिला हुआ है। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर सीएम गहलोत ने लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी। गहलोत ने लिखा है, महान गुरु का संदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है। प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब पहुंचे सीएम गहलोत। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में सीएम गहलोत का स्वागत हुआ। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जयपुर के राजा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सिंह सभा गुरुद्वारा की ओर से भव्य नगर कीर्तन का किया गया आयोजन। जोधपुर में भी प्रकाश पर्व को लेकर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। कोटा में गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा के सभी गुरुद्वारे में सजावट की गई। इस दौरान गुरुद्वारे में दीवान को भी सजाया गया। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बीकानेर में भी गुरु नानक की 550वीं जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया गया। बीकानेर के सभी गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर श्रीगंगानगर से सुल्तानपुर लोधी के लिए निःशुल्क बसें रवाना की गई। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने 10 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव पर राज्य सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सुल्तानपुर लोधी के लिए निःशुल्क बसें हनुमानगढ़ जिले से रवाना हुई। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह के बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री स्थित गुरुद्वारा में विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान सिख समुदाय की ओर से शब्द कीर्तन, गुरुवाड़ी और पाठ का आयोजन किया गया। डूंगरपुर शहर में जैन समाज की ओर से कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा पर मंदिरों में शिखर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जैन समाज की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में अलग अलग जैन मंदिरों से शोभा यात्रा रवाना हुई। बारा जिले के अट्रू में कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया गया। किशनपुरा के पास पार्वती पिकअप वेयर पर एक दिवसीय मेला लगा। बीकानेर के कोलायत में आयोजित हो रहे कार्तिक मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां हरियाणा और पंजाब पर्यटकों के साथ देशी विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं।
यहाँ विदेशी मेहमान भी राजस्थानी लोक धुनों पर डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। शाही स्नान से पहले साधुओं के सभी मठों में शाही सवारी निकाली गई, जो मुख्य घाट पर देवताओं के आह्वान के साथ शुरू हुई। कार्तिक पूर्णिमा के महापर्व पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में मंगला आरती की और भगवान के दर्शन किए। महान पर्व पर केशवरायपाटन भगवान श्री केशवराज जी की दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पूर्णिमा महास्नान के साथ आज धार्मिक पुष्कर मेले का समापन हो जाएगा। पुष्कर में लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहां सरोवर के 52 घाटों पर दान पुण्य का दौर जारी है। झालावाड़ जिले के झालापाटन में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पवित्र चंद्रभागा नदी में होने वाले स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने भीड़ उमड़ी। मेले का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश भर से लोग पहुंचे। राजसमंद शहर के बजरंग चौराहा पर बीर बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। राजस्थानी भजन गायिका आशा वैष्णव की टीम ने शानदार भजनों में समा बांध दिया। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने भी केंद्र ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी है। बहुमत जुटाने के लिए एनसीपी के पास 8:30 तक का वक्त। और इसी के साथ सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी राजस्थान। अगर कोई खबर आपसे छूट गई है, कोई स्पेशल शो आप नहीं देख पाए हैं, तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.zeeRajasthan.com।